जनता एक्सप्रेस, इंग्लिश में इसको पीपल्स एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन नंबर है 13202 13202, जो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आपको बिहार के पटना के बीच में कनेक्ट करती है। सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव यर ए के 1050 TI, एंड मेरे इस चैनल पे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जर्नी का पहला वीडियो का जो है अभी वीडियो अब आ ही रहा है आपका जनता एक्सप्रेस के ऊपर। सो हमारी जो ट्रेन है गाइस वो है 2 hours 45 minutes पे, और राइट साइड पे जो ट्रेन खड़ी है वो है LTT TVC ट्रिवेंड्रम सेंट्रल नेत्रावती एक्सप्रेस। तो हमारी, जैसे कि मैंने कहा, 2:45 को ट्रेन है, तो अभी हमारी रेक्स होंगे शंट, फिर उसके बाद गाइस हम लोग आपको मिलेंगे और इस ट्रेन के बारे में और जानकारी देंगे, मिलते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, 2 रेनलीर का बॉटल लिया है मैंने, और यू वोंट बिलीव इट गाइस, मतलब लकीली मुझे यहाँ पर एक स्टॉल मिला है। यहाँ देख सकते हो महानंद डेयरी करके लिखा है, जो मुझे 15 rupees का पर बॉटल दे रही है, और 15 rupees का बॉटल मुझे मिला है, 2 bottles। सो टोटल उन्होंने मुझसे 30 ही लिया है। सो प्राइजेज आर एक्यूरेट एंड रीजनेबल। रेलिन अगर ले रहे हैं तो ब्रदर एंड सिस्टर आप लोग प्लीज़ 15 rupees में लेना। तो भाई ने सामने से बोला, नहीं 15 rupees का, तो 2 bottles मैंने ले लिए। तो ये आप सामने देख सकते हो गाइस, पटना जनता एक्सप्रेस। एक्चुअली एक स्मॉल करेक्शन था, ये जो ट्रेन है ना गाइस, ये 13201 है, जो पटना से LTT आ चुकी है, और वही रेक जो है सामने ऑलरेडी आ चुकी है। सो सामने देख ही सकते हो, और हमारा जो आज का जर्नी होने वाला है वो इकोनॉमी होने वाला है, 3 AC इकोनॉमी में। सो अभी पूरा क्लीनलीनेस वो सब होने वाला है, बिकॉज अभी ये ट्रेन आई है, तो पहले ये ट्रेन का क्लीनलीनेस होगा, पूरा मेंटेन होगा ये ट्रेन, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगी। और राइट साइड में जो ट्रेन है वो है 15182 लोकमान्य तिलक टर्मिनस मऊ जंक्शन एक्सप्रेस, जो कि इसका रेक्स मेंटेन करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ये मऊ के लिए भी बस निकलने वाली थोड़ी देर में, और ये सामने भी जो कोच है ये इकोनॉमिक कोच है। सो अब इसका पूरा एक बार सेटल हो जाते हैं, 2:45 का डिपार्चर है, बहुत टाइम है जैसे कि मैंने कहा। सो एक बार वो हो जाने देते, फिर आपको इस कोच के बारे में, इस ट्रेन के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल नॉलेज देता, और इसके पहले जो ट्रेन बुक की थी उसका क्या सीन था वो भी बताऊंगा। बाय द वे गाइस, ये ट्रेन जो हमें मिली है वो तत्काल में हमको सक्सेसफुली मिला, थैंक्स टू ऋषि, उसने मेरे को हेल्प किया था इस चीज़ में। सो 3 AC इकोनॉमी में हमारा तत्काल हो चुका है। इसके पहले जो ट्रेन बुक की थी, स्पेशल ट्रेन थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार सब कुछ मैं लगेज वगैरह रख दूँ, फिर लोगों को दिखाएंगे उस टाइम, सब बताऊंगा मैं। तो फाइनली गाइस, हम लोगों ने अभी लगेज जो है वो रख ली है। एंड बात करूँ इस ट्रेन की रनिंग स्टेटस की, तो ये ट्रेन का एवरेज स्पीड लिमिट, जैसे कि मैंने कहा, 46 km/h। डिस्टेंस कवर करती है 1689 km, 55 हॉल्ट के साथ। ये डेली रनिंग ट्रेन है, जो आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 13202 बन के 2:45 को खुलती है, और आपको दूसरे दिन रात के 11:55 को पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचाती है बिहार के। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहने वाला है। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को कह रहा था कि पिछले टिकट का क्या हुआ था, तो क्या हुआ ना गाइज, कि मेरा एक्चुअली ट्रेन था लोकमान्य तिलक टर्मिनस दानापुर स्पेशल, दो अभी दोपहर के 12:15 को निकलनी चाहिए थी, बट आज के ये 6 मई के मेरे ट्रिप के दिन के 2-3 हफ्ते से पहले से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार ये ट्रेन जो है ना काफ़ी ज़्यादा रीशेड्यूल हो रही थी, और एक दिन रीशेड्यूल। तो मैंने बोला यार भाई, मीटअप इफेक्ट हो जाएगा, मतलब जो हमारा प्लान था वो तो पूरा एक दिन बाद चला जाएगा, और ऐसे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आने का जाने का सब टिकट बुक था। तो मैंने सोचा तत्काल में बुकिंग कर लेते, तो इकोनॉमी 3rd AC इकोनॉमी में हमें सीट मिली है, 56 है, अपर साइड अपर है। वो वाली जो दानापुर वाली जो ट्रेन थी उसमें मेरे को साइड लोअर मिला था, पर इसमें मेरा ना सीट भी अपग्रेड हो गया। मैं बोला ये क्या बात है, और मैंने कोशिश की बात करने की, तो एक फैमिली है जो साइड लोअर पे, तो वो बोले कि नहीं उनको भी खुद को विंडो सीट चाहिए। तो मैंने भी बोला चलो कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए अंकल, और मैं चलेगा साइड अपर में बैठेगा। वैसे ही आधा टाइम तो मैं बाहर आने वाला हूँ, रात के टाइम पर बस अंदर जाने सोने को। तो आपको बढ़िया बढ़िया कैप्चर्स अभी दिखाऊंगा, अभी देखते हैं लोगों को क्या लगता है इसको, लोगों को जो लेगा उसके हिसाब से डिपार्चर का भी मजा लेंगे। चलो, और सामने गाइस आप लोग देख सकते हो गोमो शेड का वेब 7 लगा है, 30744 रोड नंबर का गोमो P7 मिल चुका है गाइस हमें, लेट्स गो। डिपार्चर हो चुका है हमारा गाइस लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से, LTT रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है हमारा। नज़ारा देखिए, गोमो P7 के साथ गाइस डिपार्चर हो रहे हैं। क्या सुनहरा नजारा है, ये LTT का स्टेशन गाइस, और हमारी ट्रेन हो रही है यहाँ से डिपार्ट, और सामने से कैसे ट्रेन में आ रही है, देखते भी कौन सी ट्रेन है।
नहीं, ये वैब सेवन है खाली, दैट्स अ आइडियल वैब सेवन। क्या बात है, चुम्मेश्वरी हरी झंडी के साथ। गाइस वैसे अपना जो वैब सेवन है गोमो शेड का वैब सेवन है, 30744 रोड नंबर है उसका। मडगांव एक्सप्रेस जो है 110991110 उसका हो रहा है रेक शंटिंग। निर्धारित समय से ऑन टाइम चल रहे हैं ना, ऑन टाइम आ चुके हैं हम लोग अभी कल्याण जंक्शन, और अपने ओमकार भाई भी आ चुके हैं। यार एक बार हाय बोल दो सबको। हाय भाई लोग, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। एक्चुअली गाइस है ना, M1 में मेरे को रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे फॉर सम रीजन, क्योंकि कोच बहुत गर्म है। तो मैंने सोचा यार B1 तक मैं आया हूँ, 5 कोच चल के। तो भैया कल्याण जंक्शन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बिजीएस्ट स्टेशन ऑफ सेंट्रल रेलवे। यहाँ दो लाइन स्प्लिट होती है, एक जाती है भुसावल से आपकी भोपाल की, एक जाती है पुणे से होते हुए सोलापुर से होते हुए जो लाइन जाती है वो जाती है। और कल्याण में सबसे पहला इलेक्ट्रिक लोको शेड, जी हाँ, कल्याण जंक्शन पे ही बना था, इंडिया का सबसे पहला। और एक बार ओमकार भाई से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधा डिपार्चर में। वैसे हमारे यहाँ ट्रेन का कितने मिनट का हॉल्ट है? 2 मिनट्स का हॉल्ट है, आप डिपार्चर का मजा चलो चलो यार। बाय द वे गाइस, करेक्शन, सुमित भाई है, वो हंसेंगे सब अभी, साला दोस्त का नाम भी नहीं ले रहा ढंग से, करता हूँ आपका होगा। डिपार्चर हो चुका है गाइस कल्याण जंक्शन से। चलो सुमित भाई टेक केयर, जाओ आराम से, गर्मी बहुत है, संभल के। थैंक यू भाई। मैं आता हूँ तो फोन करता हूँ। कल्याण जंक्शन को अलविदा कहते हुए
मुंबई की लोकल लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। देखो सामने से गाइस ये हमारी बैंक पोजीशन है। वाओ, वेलकम टू कसारा स्टेशन, द लास्ट पॉइंट फॉर मुंबई सबर्बन ट्रैफिक। कसारा पे ऑलरेडी गाइस एक लोकल ट्रेन भी खड़ी है फॉर सीएसटी। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी कसारा स्टेशन में, जिसका कोड है KSRA। और यहाँ गाइस हमारा जो है वो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, दिस इज़ अ टेक्निकल हॉल्ट, क्योंकि यहाँ हमारा गाइस जो होने वाला है वो है लोको, मतलब बैंकर लोको अटैच पीछे की तरफ पे, बिकॉज ये भी हमारा जो है घाट सेक्शन वो हो चुका है शुरू। सो अभी सीधा भी यहाँ पर 2-3 मिनट का ही हॉल्ट है, फिर उसके बाद सीधा नेक्स्ट हॉल्ट जो होगा इगतपुरी का होगा टेक्निकल हॉल्ट। बाय बाय। आ चुके हम लोग गाइस अभी इगतपुरी स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है IGP। यहाँ हमारा गाइस एक और टेक्निकल हॉल्ट है, बिकॉज जो हमारा बैंकर लोकोमोटिव लगा था कसारा पे वो अभी डीकपल होगा स्टेशन पे, और यहाँ हमारा 2 या 3 मिनट का ही हॉल्ट है, फिर इसके बाद यहाँ से हमारा होने वाला है डिपार्चर। और इगतपुरी पे आपको बहुत सारे खाने के भी ऑप्शन मिलेंगे, वड़ा पाव, समोसा आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खाने का कभी नहीं। इगतपुरी को अलविदा कहेंगे, यहाँ के समोसे काफ़ी अच्छे हैं, स्टेशन पे आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे समोसे, वड़ा पाव वो ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको
बहुत अच्छे हैं। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ एक अंकल के साथ, काफ़ी बढ़िया बना है। बात है, डीजल लोकोमोटिव का हॉर्न, ये अपना AMD का ही था पक्का, WDP4D या WDG4D। जो कि हमने लिया है अभी एक पनीर पकौड़ा, जो कि मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है। मैं बोला चलो स्नैक्स भी ले ही लेते हैं ट्रेन से, तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको पनीर के कितने 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 50 रुपये 10 पर पीस मुझे ऐसा लग रहा है। उसके साथ ये पिकल दिया गया है और ये हमारे भाई का है, इनको रिक्वेस्ट किए मैंने थोड़ा यार साइड ओवर दे दो, और यहाँ से भाई नज़ारा देखो यार, काफ़ी थैंक्स टू भैया कि थोड़ा बैठने को मिला। एक्चुअली मेरे सीट पर जो है भैया अंकल जी वो सो गए थोड़ी देर, मैं बोला डिस्टर्ब करने से अच्छा सोने दो। तो अभी हम लोग पनीर पकौड़ा ट्राई करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। आइए, अच्छा है, अच्छा है, बेसन है और पनीर है, पनीर पकौड़ा में नमक भी अच्छा यूज़ किया है और काफ़ी बढ़िया बना है। फटाफट से खाते हैं, मिलते हैं आपको सीधा नासिक रोड। अपने जर्नी के चौथे हॉल्ट पे 4 मिनट डिले के साथ हम लोग आ चुके हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन। वैसे ये स्टेशन जो है वो A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है और इंडियन रेलवेज में वन ऑफ द क्लीनियस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड भी इसको मिल चुका है 2 बार इन द ईयर 2021 और 22। और मुंबई से दिल्ली के बीच की लाइन में दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन का हॉल्ट है। इसका अराइवल था यहाँ पर 6:07 का, आई है ये 6:11 पे, यहाँ पर 4 मिनट डिले के साथ आ चुके हैं और यहाँ हमारा केवल 5 मिनट का हॉल्ट है। नासिक रोड से हम लोग निकल चुके हैं 6:15 को। बाय द वे एक स्मॉल करेक्शन गाइस, इसका अराइवल टाइम था 6:11। आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सो माफ कीजिएगा। नासिक रोड को अलविदा कहते हुए बाय बाय नासिक। यहाँ के अंगूर काफ़ी फेमस है, अब यहाँ से ड्राइविंग कर सकते हो। आ गई सेंट्रल रेलवेज की किंग आ गई, CR राजधानी 2221 डाउन छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनल हजरत निजामुद्दीन। हाय हाय, आओ किंग महाराज।
गाइस हम लोगों को अभी खाना मिल चुका है, 80 रुपये का थाली जो है 13202 जनता एक्सप्रेस का। हमें चपाती मिली है दो, एक हमें कर्ड या फिर पता नहीं क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, खोल के देखते हैं। और यह रहा हमारा मेन थाली जो इस बॉक्स में, अनबॉक्स करते हैं फिर आपको बताते हैं इस खाने में क्या मिलेगा हमें। क्या बात है गाइस, मैंने वेज थाली ली है तो यहाँ मुझे एक दाल फ्राई मिलेगी, एक चावल मिलेगी और एक है आपका आलू गोभी मिक्स, मिक्स वेज है थोड़ा सूखा सा, एक मैंगो पिकल मिलेगा चम्मच और चावल। तो टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं कैसा है खाना। तो गाइस अभी हम लोग खाना को टेस्ट कर रहे हैं, रोटी देखते कैसी बनी है। रोटी ले रहा हूँ मैं और सब्जी के साथ खा रहा हूँ। सब्जी काफ़ी बढ़िया है, अभी आप देख ही सकते हैं। मैंने थोड़ी चपाती अभी कंप्लीट की है, मालूम है, और सब्जी ली है, किसी ने आपका जूता गायब किया, और मैं सब्जी के साथ खा रहा हूँ। और दाल देखते हैं दाल कैसा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक गए आपको ये लग रहा है। दाल भी काफ़ी टेम्पटिंग है, दाल भी काफ़ी बढ़िया बनेगा। एक्चुअली ऐसा सीन है कि यहाँ पर एक्चुअली किसी का जूता घूम गया तो इसलिए उनका थोड़ा बातचीत चल रहा है, बट वील इग्नोर इट। एंड खाना भी काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। 80 रुपये की थाली लेनी है बिल के बाद, बाय डिफॉल्ट आपको 120 रुपये लेंगे, आपको 120 नहीं देना है, आपको 80 रुपये की स्टैंडर्ड वेज मील लेनी है 80 रुपीज़ का। और काफ़ी बढ़िया बना है, खाना का क्वालिटी टॉप नॉच है। लो भाई हमारा बेडशीट भी पूरी तरह से हमने बिछा दिया है। और गाइज अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ तो अभी सो जाते हैं और सीधे कल उठते हैं। देख पता नहीं कौन से स्टेशन में हमारी आँख खुलेगी, कल उठते हैं और बढ़िया से एकदम WCR में हमारी आँख खुलेगी, वैसे ड्रिल रेलवे जोन में उठते हैं, फिर वहाँ से फिर देखते हैं, बढ़ाते हैं अपनी कहानी आगे, मिलते हैं, चलो गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी जस्ट मैं उठा हूँ, सुबह के 5:15 कुछ बज रहे हैं और हम लोग जो अभी स्टेशन है वो पिपरिया स्टेशन पे स्किप अभी डिपार्चर करने वाले हैं, पिपरिया को अलविदा कह रहे हैं। मैं अभी जस्ट उठा और मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ हम लोग स्टेशन पे रुके हुए थे, ये पिपरिया का डिपार्चर देखिए, काफ़ी शानदार नींद गाया गया इस कल, मतलब 11 से 5 बजे जो सोया हो ना। डिपार्चर देखिए गाइस, मध्य प्रदेश आ चुके हैं महाराष्ट्र से, अब बढ़िया बढ़िया बैंगर क्रॉसिंग्स दिखा सकता आपको। अनाउंसमेंट भी हुआ था, मैंने एक्चुअली आग अनाउंसमेंट की वजह से ही खुला था। हम लोगों ने अभी, भाई ने हमारे को पैसेंजर ने तो उन्होंने हमारे लिए लाइक ऑर्डर किया, तो हम लोगों ने साथ में एक मील लिया है बाहर से, कितने का पड़ा हमें 150 का, अरे यार हाँ 185 का जो है हमें थाली पड़ा, तो हमने वो ऑर्डर किया है। तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे, आपको बताते हैं बॉक्स में कंटेंट क्या क्या है और टेस्ट कैसा है। तो फाइनली हार्ड वर्क करके कैसा लग रहा है खोलने में,
तो टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट ही करना पड़ेगा, अभी तो सीधे हैं। तो चलिए, रोटी है, चावल है, पनीर की सब्जी है, ककड़ी भी है, दाल, क्या बोलते हैं इसको, कड़ी पकौड़ा, दाल और अपना फेवरेट गुलाब जामुन। पहले दाल रोटी ट्राई करें। दाल ट्राई करेंगे, सबसे पहले दाल ट्राई करते हैं कैसा है। दाल अच्छा है, काफ़ी टेम्पटिंग है, क्या बोलते हैं, टेम्पटिंग है। अभी ट्राई करते पनीर की सब्जी, ये देखते कैसे। भाई पनीर तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दी है, पनीर भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ऑयल है बट अच्छा है। ऐसा करते हैं, टेस्ट करते हैं, रोटी भी गर्म है, फटाफट खाते फिर मिलते हैं आपको अगले स्टेशन पर। फाइनली आ चुके हैं हम लोग नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से। पूरे दिन WCR में थे, हमारे इस जोन का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का पहला स्टेशन माणिकपुर जंक्शन आ चुका है और हमारी ट्रेन का यहाँ 4 मिनट का हॉल्ट है। माणिकपुर जंक्शन पे आ चुके हैं, एक लाइन आपकी जाती है कानपुर के लिए पीछे से और एक लाइन हमारी जाने वाली है टू ECR। तो भाई साहब काफ़ी प्यारा जर्नी चल रहा है। निर्धारित समय से आधे घंटे के डिले के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज शिव की जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PCOI। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म हैं, एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और एक ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट करती है और यहाँ टोटल 169 ट्रेन्स का हॉल्ट होता है। वैसे प्रयागराज शिव की जंक्शन, प्रयागराज शिव की जो है बाईपास स्टेशन है वो प्रयागराज जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि पहले जो थी वो ट्रेन रिवर्सल करती थी बट अभी यहाँ से सीधा बाईपास करते हुए सीधा हम लोग वाया पटना से जो भी स्टेट में जाना है वहाँ से जा सकते हैं। फिर वैसे ही हमारी यहाँ ट्रेन आ चुकी है हाफ एन आवर डिले के साथ और हमारी ट्रेन के यहाँ बस 5 मिनट का हॉल्ट। अरे पानी लिया, क्या बात है यार, अपने को पैसेंजर जो है, चलो यार बाय 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 मिलते हैं, बाय बाय बाय। हमारे भाई लोग जो है अभी उतरे शिवकी पे, प्रयागराज शिवकी पे, बाय बाय। और हमारा भी डिपार्चर का टाइम, चलो बाय क्रिश, बाय। और अभी हम लोग बस अभी थोड़ी देर में डिपार्ट करने वाले 5 मिनट में, सो गेट रेडी डिपार्चर के लिए। बेस्ट एक्सपीरियंस ये ट्रेन के साथ, डिपार्टिंग फ्रॉम प्रयागराज शिव की, PCOI स्टेशन कोड है, डिलेड बाय 30 मिनट्स, 30 मिनट की डिले के साथ। बहुत ही स्लो डिपार्चर लेगी गाइज अभी। PCOI को चंबल एक्सप्रेस आने वाली है 12176। ओहो
तरफ से संपूर्ण क्रांति 130 पे हमें ओवरटेक कर चुकी है और राइट साइड पे आप देख सकते हैं भागलपुर सूरत। टाटा नगर B7 पक्का। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के पहले स्टेशन प्रश्ननाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। पहले स्टेशन का नाम था मुगल सराय, जिसका स्टेशन कोड था MGS, पर बाद में इसका जो है स्टेशन का नाम जो है चेंज किया टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड अब है DDU। टोटल यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म्स है गाइस और लगभग 490 या 400 से 500 ट्रेन, आई एम नॉट प्रीटी श्योर विद द नंबर्स, बहुत सारी ट्रेन मतलब कंफर्म हॉल्ट DDU पे है, भले ही उसकी प्रायोरिटी कितनी भी हो। और वैसे ही यहाँ हमारी ट्रेन का हॉल्ट मात्र 10 मिनट का ही है। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस इस स्टेशन के बारे में कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है गाइस। आपको DDU से पटना के बीच में डिपार्चर जब आप लोगे तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको दिखेगी एशिया की सबसे बड़े मार्शलिंग यार्ड। पूर्वा एक्सप्रेस, ओ ये पूर्वा एक्सप्रेस। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं 15 मिनट जल्दी बक्सर पे, और बक्सर पे गाइस कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, आप देख ही सकते हैं। और यहां पर गाइस हमें 15 मिनट जल्दी आ चुके, तो सिग्नल भी आके रेड है, तो देखते हैं अभी एक अच्छी कोई ट्रेन का क्रॉसिंग कुछ होता है कि नहीं। अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तेज धानी 12309 राजेंद्र नगर नवी दिल्ली राजधानी ने हमें क्रॉस किया था, तो यहाँ अभी देखते हैं कौन सी ट्रेन का कोई क्रॉसिंग होता है कि नहीं। लेट्स सी।
मेरी जान, ये क्या था, ये क्या था? फाइनली गाइस, जर्नी हो चुकी है ख़त्म। पटना जंक्शन, स्टेशन कोड है PNBE। इस ट्रेन के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बहुत प्यारी ट्रेन है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्रैवल इन दिस ट्रेन। खाना गुड, बस 120 रुपए का जो खाना बेचे थे ये मत कीजिए, 80 रुपीज़ का खाना है 80 रुपीज़ में। एंड सबको 15 रुपए का पानी का बॉटल दिया गया, बहुत अच्छा लगा देख के, मैंने एक बार भी किसी को टोका नहीं। 15 रुपीज़ का बॉटल 15 रुपए में ही बिका है। ऐसे ही कंटेंट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं अभी अगले जर्नी में। बाय बाय।